चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान के उतरने के बाद पूरी दुनिया को ये उम्मीद थी कि प्रज्ञान रोवर के जरिए चंद्रमा की तमाम वो जानकारियां मिलेगी जो वैज्ञानिकों को आगे बढ़ने के लिए, वैज्ञानिकों को नया खोज करने के लिए उत्साहित कर सकता है और मदद कर सकता है। लेकिन इस कड़ी में जो अब तक की सबसे बड़ी चीजें सामने आई है उसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। जी हाँ, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रज्ञान रोवर को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों, ये बात आपको भी पता है कि प्रज्ञान रोवर के जरिए इस बात की खोज की जा चुकी है कि चंद्रमा पर पानी के अंश मौजूद है। इसके अलावा कई ऐसे खनिज का पता चला है जो आने वाले वक्त में इस धरती के लिए बड़ा ही अचूक साबित हो सकता है। लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि प्रज्ञान रोवर से संपर्क टूट गया है। जी हां, सही आपने सुना, प्रज्ञान रोवर से वैज्ञानिकों का संपर्क टूट गया है और इस तरफ इस बात को लेकर इशारा किया जा रहा है कि प्रज्ञान रोवर पर एक बड़ा हमला हुआ है। कुछ दिन पहले आपने ये सुना था कि चंद्रमा पर एलियन की बस्ती मिले हैं। जी हां, उस खबर की कितनी सच्चाई थी उसका भी मैंने आपको जिक्र किया था। लेकिन अब असली बात समझ लीजिए कि प्रज्ञान रोवर कैसे गायब हो गया। क्या वाकई में प्रज्ञान रोवर पर एलियन ने हमला किया? क्या वाकई में चंद्रमा पर एलियन रह रहे हैं? क्या वाकई में चंद्रमा पर एलियन का हमला हुआ है? इन तमाम जानकारियों से आपको रूबरू कराऊंगा और असली वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले में चंद्रमा पर से एक नया वीडियो सामने आया है जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है कि इस वीडियो में साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि प्रज्ञान रोवर पर एलियन ने हमला किया है जिसके बाद से प्रज्ञान रोवर पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। इस खबर की पूरी सच्चाई मैं आपको दिखाने और बताने जा रहा हूं। दोस्तों, प्रज्ञान रोवर लगातार चंद्रमा पर से तमाम वो जानकारियां भेज रहा था जो भारत के लिए गर्व की बात था और भारत के लिए एक बड़ी खोज मानी जा रही थी। इस बीच प्रज्ञान रोवर से संपर्क टूटना वाकई में अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। एलियन का वहां पर मौजूद होना यह भी संदेह पैदा करता है। क्या एलियन ने ही उस पर हमला किया है? तमाम वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो के जरिए आज पूरी तरीके से साबित हो जाएगा कि चंद्रमा पर आखिर क्या हो रहा है, प्रज्ञान रोवर के साथ क्या हुआ, चंद्रयान 3 के साथ क्या हुआ। दोस्तों, ये बात आपको पता है कि चंद्रमा पर 14 दिन तक सूर्योदय हुआ रहता है और उसके बाद 14 दिन रात होते हैं और बताया जा रहा है कि 14 दिन रात होने की वजह से ही प्रज्ञान रोवर पूरी तरीके से सुप्तावस्था में चला गया है, वो चार्ज नहीं हो रहा है जिसके बाद से उससे संपर्क टूट गया है। लेकिन इस बीच ये खबर वायरल होना कि वाकई में प्रज्ञान रोवर के साथ एलियन ने बड़ा ही घटना किया है, उन पर हमला किया है, इस खबर की पुष्टि हमारा चैनल बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन जो संपर्क टूटा है, जो जानकारी सामने आ रही है, वो जानकारी इस तरफ इशारा करता है कि वाकई में चंद्रमा पर कुछ ना कुछ हुआ है या फिर जो वहां अंधेरा हुआ है, अंधेरा की वजह से ही तमाम जानकारियां पृथ्वी पर ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। चंद्रमा पर वो कौन सा जीव मिल गया है जिसने सबको हैरान कर दिया है? चलिए मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, वो तस्वीरें दिखाता हूं जिसके बारे में इस बात का दावा किया जा रहा है कि ये चंद्रमा की तस्वीर है, ये चंद्रमा का वीडियो है जहां पर खौफनाक तरीके से किस तरीके से एक जीव रह रहा है, उनका एक मोहल्ला है और उस मोहल्ले की पूरी तस्वीर प्रज्ञान रोवर ने उतार ली है और पृथ्वी तक भेज दी है जिसके बाद से वैज्ञानिक जगत में पूरी तरीके से हड़कंप मच चुका है और पूरी दुनिया इस इंतजार में है कि उस जीव के बारे में पता लगाया जाए, क्या वो एलियन है या फिर कुछ और है। तमाम जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं और एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। अगर आपका दिल कमजोर है तो इस वीडियो को नहीं देखिएगा। दोस्तों, ये बात पूरी दुनिया जानती है कि इस धरती पर कभी ना कभी एलियन आया था, कभी ना कभी एलियन आएगा, लेकिन इस बात का किसी को भी पता नहीं है कि एलियन कहां से आता है, वो कौन सी जानकारियां पृथ्वी से लेकर जाता है, क्या एलियन भारत पर या फिर पूरी धरती पर हमला कर सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अब सवाल और बड़ा इसलिए बन गया है क्योंकि चंद्रमा पर जीव होने का जो दावा है उसने सबको हैरान किया है और बताया जा रहा है कि ये जीव कोई और नहीं बल्कि एलियन है, एलियन की वहां पर बस्ती है और एलियन भी वहां पर रिसर्च कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या एलियन का कोई ग्रह है जहां से लगातार वो चंद्रमा, पृथ्वी या फिर अन्य ग्रह पर जाता है, वहां पर खोज करता है? क्या एलियन हम लोगों से ज्यादा मजबूत है, उनके पास बड़ी टेक्नोलॉजी है, वो अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए पृथ्वी पर भी हमला कर सकता है, क्या वो पृथ्वी पर आकर बस सकता है? दोस्तों, ये बात आप मत भूलिए, ये धरती है और धरती पर हम लोग रहते हैं और धरती के बारे में ही तमाम जानकारियां हम लोग को पता है। लेकिन इस ब्रह्मांड में करोड़ों ऐसे ग्रह हैं जहां पर हो सकता है कि जीव हो और वो जीव एलियन के रूप में हो, उनके पास हमसे बड़ी टेक्नोलॉजी हो जिस टेक्नोलॉजी के जरिए वो पृथ्वी पर आता हो या
यहां से सारी जानकारियां लेकर जाता हो और आने वाले समय में वो एलियन पृथ्वी पर हमला भी कर सकता है, जो अब तक का सबसे बड़ा डर बन चुका है। मैं आपको उस चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो आज पूरी तरीके से चंद्रमा के उस अंधेरे वाले साइड का राज खोलेगा और आपके सामने वो सच्चाई रखेगा जो अब तक किसी को पता नहीं था। दोस्तों, एलियन के बारे में पूरी दुनिया चर्चा करती है कि एलियन पृथ्वी पर भी आ चुका है और यहां से कई सारी जानकारियां लेकर जा चुका है। दूसरी तरफ वैज्ञानिक ये भी अंदेशा लगाते हैं कि एलियन पृथ्वी पर आएगा और वो पृथ्वी पर हमला करेगा, फिर यहां पर राज करेगा। अब अपने आप में बड़ा सवाल ये है कि क्या दुनिया में कोई ऐसा ग्रह है जहां पर एलियन की बस्ती है, जहां एलियन रहता है और वहां से वो चोरी चुपके पृथ्वी पर भी आता है और पृथ्वी के तमाम टेक्नोलॉजी को जानकर वो इस हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश कर रहा है कि पृथ्वी पर हमला किया जा सके। लेकिन ये क्या अब नई चीजें ये आ रही है कि चंद्रमा पर भी एलियन की बस्ती पाए गए हैं। जी हां, खबर में इस बात का दावा किया जा रहा है कि चंद्रमा पर एलियन की बस्ती है और उस बस्ती में एलियन के पास तमाम वो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए चंद्रयान 3 पर वो लोग हमला कर सकते हैं और हमारा मिशन कामयाब नहीं हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिक लगातार इसी कोशिश में है कि वो एलियन से खुद को बचाकर चंद्रमा की तमाम जानकारियों को पृथ्वी तक पहुंचाए। लेकिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर वो कौन सी चीजें तलाश ली है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है, चलिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता और दिखाता हूं। दोस्तों, पूरी दुनिया को ये उम्मीद है कि चंद्रयान 3 कुछ ना कुछ नई चीजें लेकर आएगा, लेकिन चंद्रमा पर वो कौन सी संदिग्ध चीजें मिल गई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और वो तस्वीरें और वीडियो भी सामने आ चुकी है। लगातार 50 वैज्ञानिक कंप्यूटर पर चंद्रयान 3 की निगरानी कर रहा है और चंद्रयान 3 के संपर्क में है। चंद्रयान 3 तमाम चीजें वहां से भेज रहा है, लेकिन जो चीजें भेजी गई है उसमें वो कौन सी नई जानकारी है, वो कौन सा खुलासा है, वो कौन सी संदिग्ध तस्वीरें और वीडियो है जिसने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। चलिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से चंद्रमा पर जो सबूत मिले हैं, चंद्रमा पर जो संदिग्ध चीजें मिली है उसका वीडियो दिखाता हूं। लेकिन इस बात को आप जान लीजिए कि चंद्रमा पर कुछ चीजें हैं जो सबको हैरान कर रही है। दोस्तों, ये दावा लगातार किए जा रहे हैं कि पृथ्वी पर एलियन कई बार आ चुके हैं और यहां से तमाम जानकारी लेकर जा चुके हैं, लेकिन अब जो चीजें सामने आई है उसने इस बात को साबित किया है कि चंद्रमा पर भी एलियन आ चुके हैं और बताया तो यहां तक जा रहा है कि चंद्रमा पर भी एलियन अभी भी मौजूद है। अब अपने आप में बड़ा सवाल है कि वो एलियन आखिर किस ग्रह से आते हैं, कौन सी जानकारी यहां से लेकर जाते हैं। डर यह है कि क्या एलियन पृथ्वी पर भी हमला कर सकता है या फिर चंद्रमा पर भी कब्जा कर सकता है या फिर चंद्रयान 3 जो अभी अभी गए हैं उनको भी वो लोग नष्ट कर सकते हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है जो लेकिन लगातार तस्वीर सामने आई है, उस तस्वीर ने सबको चौंका दिया है। इंटरनेट पर एक वायरल तस्वीर में इस बात का दावा किया जा रहा है कि ये चंद्रमा की तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में किस तरीके से एक संदिग्ध तस्वीर दिख रही है। ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई जीव है और उस जीव की जो बनावट है कुछ अलग तरह की है। अब ये सवाल है कि क्या ये एलियन है या फिर वहां वाकई में चंद्रमा पर जीव है, ये अपने आप में रिसर्च का विषय है और बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 इन तमाम चीजों की जानकारी जल्द ही पृथ्वी तक भेजेगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।